हे गाइस, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मैथ कर रहे थे। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल देखा था। सो इन दिस वीडियो वी सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो इन द लास्ट वीडियो वी डू दिस एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस of planes having equal x and y intercepts. So solution देखते हैं। The equation of plane having x and y intercepts is given by, so equation of plane देखिए, x by a plus y plus b plus z by c is equal to 1, where a b c हमारे क्या हैं? Arbitrary constants हैं। Sorry, यहाँ पे a है, ठीक है। नाउ अब हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। क्या आएगा इसका? 1/a आएगा। नाउ अब हमने क्या करना है, हमने वाई बाय ए का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? 0। एंड हम जब z बाय c का करेंगे तो क्या आएगा? 1/c करली z बाय करली x। सो यहाँ से 1/a की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ 1/c करली z बाय करली x। क्यों? क्योंकि हम इस टर्म को कहाँ ले जाते हैं? आफ्टर डिफरेंशिएट राइट हैंड साइड, एंड 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। सिमिलरली जब हम विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तब हमारे 1/a की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। अब a की 1/a की वैल्यू ये भी है, 1/a की वैल्यू ये भी है। नाउ वी कैन इक्वेट द बोथ ऑफ दिस। सो इक्वल रख दिया दोनों को, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? करली z बाय करली x इज इक्वल टू करली z बाय करली y। एंड आप अब क्या कीजिए, इस सम को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो हमारे पास ये बन जाएगा विच इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ये एक्सरसाइज ही हैं जिसके क्वेश्चंस हैं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। एंड अब हम इसके ये दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एग्जांपल नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स हू सेंटर्स लाई ऑन द जेड एक्सिस। अब जो हमारे पास स्फीयर है ये कहाँ लाई कर रहा है, इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? ऑन जेड एक्सिस। अगर इसका सेंटर जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो जेड को हमने जेड एक्सिस पे हमने मान लिया कि सी पॉइंट पे इसका सेंटर लाई करता है। सो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्फीयर्स हैविंग सेंटर ऑन जेड एक्सिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर हमारी क्या होती है? रेडियस होती है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं? सी एंड आर। अब सेम प्रोसेस, हम पहले पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। नाउ अब हमने एलिमिनेट करना है सी को। अब आप देख सकते हैं इन बोथ इक्वेशंस में हमारे पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल टू सी, जो हमारे पास क्या है? सी है। अब हम दोनों इक्वेशंस में से सी को एलिमिनेट करेंगे। सो देखते हैं कि कैसे एलिमिनेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में से 2x को हम राइट हैंड साइड ले गए। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 में से हम 2y को राइट हैंड साइड ले गए, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? करली जेड बाई करली वाई। इधर से क्या होएगा? माइनस ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो क्या आएगा? वाई ऑफ एक्स। अब आप इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा? वाई ऑफ करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू एक्स करली जेड बाई करली वाई, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, शो डेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉन्स विच हैव वर्टेक्स एट द ओरिजन इज पी एक्स प्लस क्या वाई इज इक्वल टू जेड। सो देखते हैं, शो डेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉन्स विच हैव देयर वर्टेक्स एट द ओरिजन इज पी एक्स प्लस क्या वाई इज इक्वल टू जेड।
अब हमारी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कॉन्स जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इन एक्स वाई जेड, वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज होमोजीनियस इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री में है एंड किस वेरिएबल्स में है? एक्स वाई एंड जेड। ये आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ सॉलिड ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ी होगी। वेयर ए बी सी एफ जी एच हमारे क्या हैं? ऑर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? टू ए एक्स, इसको करेंगे ज़ीरो और इसको करेंगे टू सी जेड कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, इसको करेंगे टू एफ वाई कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, इसको करेंगे यहाँ पे। अब देखिए बहुत वेरिएबल्स का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, देन प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? टू ऑफ जी को पहले बाहर निकाल लीजिए, जेड ऑफ एक्स में लगाए हम एक्स को, एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो वन, जेड एज इट इज़ प्लस, जब एक्स एज इट इज़ रहेगा कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स आ जाएगा, सो वही लिखा है, प्लस टू एच वाई एज इट इज़ एंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वन होगा, सो ये आ गया। और जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आप करके देखिए ये आएगा। अब हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट इक्वेशन को मीन्स इक्वेशन नंबर सेकंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय एक्स एंड इक्वेशन नंबर थर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय वाई। देन मल्टीप्लाई, अब इस पूरी टर्म को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इस पूरी टर्म को हमने वाई से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब बोथ फोर एंड फाइव को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या आएगा? टू ए स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस दिस ऑल प्लस दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए हमने कॉमन लिया है टू, किस किस में से? इसमें से, इसमें से, इस टर्म में से, इस टर्म में से, एंड ये टू प्लस टू क्या हो जाएगा? फोर। तो अंदर क्या रह जाएगा? टू ऑफ एच ऑफ एक्स ऑफ वाई प्लस टू ऑफ सी जेड। अब टू ऑफ सी जेड इसमें से कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया? एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स। इसमें से लिया तो क्या रह गया? वाई कर्ली जेड बाई कर्ली वाई प्लस ऐसे ही टू एक्स जी एक्स लिया, तो जब टू जी एक्स लेंगे तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स और यहाँ पे वाई कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। सिमिलरली टू एफ वाई लेंगे तो यहाँ से अंदर क्या रह जाएगा? एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स एंड यहाँ से लेके तो वाई कर्ली जेड बाई कर्ली वाई एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ज़ीरो है। अब दिस कैन बी रिटन एज टू ए एक्स स्क्वायर ये सब टर्म एज इट इज़ प्लस। अब देखिए ये इसमें से भी कॉमन आ सकती है, इसमें से भी, इसमें से भी, तो हमने कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा? टू ऑफ सी जेड प्लस टू ऑफ जी एक्स प्लस टू ऑफ एफ वाई। नाउ अब हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे बाय टू एंड यूजिंग वन इन सिक्स वी है। डिवाइडिंग बाय टू, अब हम इसको टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये टू कैंसिल हो जाएगा और इसमें से टू को कॉमन लेंगे तो ये टू कैंसिल हो जाएंगे। एंड फिर हम क्या करेंगे? यूजिंग वन इन सिक्स, वन क्या है हमारे पास? देखिए इक्वेशन नंबर वन ये है, इसको हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर वन को हम यूज़ करेंगे इन सिक्स। जब हम इक्वेशन नंबर वन को यूज़ करेंगे इन सिक्स, इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं? हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर है प्लस बी वाई स्क्वेयर है प्लस टू टू जी जेड एक्स, सॉरी सिंग, देखिए मैं बताती हूँ, ये है हमारे पास। बट हमारी इक्वेशन नंबर वन क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई। अब देखिए इनमें से हमारे पास क्या क्या है? ए एक्स स्क्वेयर है, बी वाई स्क्वेयर है, ये सिंगल है, मतलब हमारे पास क्या आएगा राइट हैंड साइड में? सी जेड स्क्वेयर प्लस जी जेड एक्स, जी जेड एक्स, ये यहाँ पे डबल होता है, टू के इंटू में होता है लेकिन यहाँ सिंगल है, तो एक हमारे पास ये भी रह जाएगा एफ वाई जेड टू ऑफ एच
एच एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, सो ये आएगा। मतलब ये वो टर्म्स हैं जो यहाँ पे नहीं है बट हमें वन में चाहिए होती हैं। सो अगर हम इसमें ये ऐड करते तो हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ जाएगी, इक्वेशन नंबर वन आ जाएगी सॉरी, एंड ये किसके इक्वल होते हैं, ज़ीरो के। तो मतलब ये राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो माइनस के साइन के साथ आएंगे, प्लस द सेम एज इट इज़, दिस इज एज इट इज़। अब इसमें से माइनस ऑफ जेड को कॉमन ले लिया, अब क्या किया, डिवाइड कर दिया इस टर्म से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड ऑफ दिस, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा। होप सो आपको समझ आया हो। मैं एक बार आपको दोबारा से ये करके बताती हूँ कि ये वैल्यूज़ कैसे पुट की है। देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर वन क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड। तो अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर मेरे को इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा सी ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस जी ऑफ एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड। तब देखिए ये टू हो जाएगा, ये भी टू, ये टू ऑलरेडी है, देन यू कैन से डैट दिस इज इक्वल टू दिस। बट मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐड किया, लेकिन मैं ऐसे किसी भी टर्म में ऐड नहीं कर सकती। सो अगर मैंने किसी टर्म को ऐड करना है तो मुझे उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने जो जो टर्म्स ऐड की थी वो मैंने सब्ट्रैक्ट भी की। अब क्या, अब ये फ्रॉम इक्वेशन वन दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस सी जेड स्क्वेयर माइनस टू ऑफ जी एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जेड। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट दिस। तो वही किया है मैंने, इसके प्लेस पे क्या पुट किया है, ये पुट किया है। सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।